हेलो स्टूडेंट, आई एम पिनल गराशिया फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट एंड स्टडिंग एट होम। टुडे इन ईवीएस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 3 माय फैमिली। हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पहले रीड करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। दे कैन नॉट लिव अलोन। मनुष्य कभी भी अकेला नहीं रहता। अलोन यानी अकेला। सोशल एनिमल सामाजिक प्राणी। ह्यूमन यानी मनुष्य। दे ऑलवेज स्टे इन अ ग्रुप। मनुष्य हमेशा ग्रुप में ही रहता है। एंड ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जो मेंबर फैमिली का हर एक मेंबर जो होता है वो ग्रुप का रिस्पॉन्सिबल यानी जवाबदार यानी डिपेंडेड रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी यानी कि जो ड्यूटी है उसकी वो एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप वो अपने ग्रुप में किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। उसकी कुछ जवाबदारियां होती है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। लेट अस स्टडी फ्यू थिंग्स दैट वी सी इन अ फैमिली। आज यहाँ पे हम हमारी फैमिली में जो देखते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक हम फिर से एक बार रीड करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। दे कैन नॉट लिव अलोन। दे ऑलवेज स्टे इन अ ग्रुप। एंड ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज responsible to perform a certain duty as a part of the group. Let us study few things that we see in a family. Now, a family is also a kind of group. Family जो होती है वो एक तरह का group होती है। सभी साथ में ही रहते हैं। Our parents look after us and they take care of our clothes, food, shelter, health, एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या कहा है, हमारे जो पेरेंट्स है वो लुक आफ्टर यानी हमारी देखभाल करते हैं। एंड दे टेक केयर ऑफ, वो हमारी किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्लोथ्स कपड़ों का, फूड खाने पीने का, शेल्टर यानी रहने का, हेल्थ का, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, मदर जो है अपने सन को खाना परोस रही है, उसे खिला रही है। यहाँ पे फादर जो है अपनी अपनी बेटी को कपड़े लेने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए शॉप में ले गए हैं। मम्मी पापा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, है ना। यहाँ पे मम्मी पापा बच्ची के साथ खेल रहे हैं, पापा जो है वो अपने लड़के को कहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद बच्चे को चोट लगी है तो वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। इस तरह हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स हमारा
ध्यान रखते हैं हमारे खाने पीने का, हमारी हेल्थ का, हमारे कपड़े का, हमारे स्कूल का, ये सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? हमारे मम्मी पापा। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन। फैमिली जो होती है वो फैमिली में कौन कौन होते हैं? फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि पापा, मम्मी और उनके बच्चे। सच अ फैमिली कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली यानी छोटी सी फैमिली। वहाँ पे कौन कौन से कौन कौन लोग रहते हैं? सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे। अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। जो छोटी सी फैमिली होती है वो हैप्पी फैमिली होती है। ये हम फिर से रीड करते हैं। अ फैमिली इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रुप। अवर पेरेंट्स लुक आफ्टर अस एंड दे टेक केयर ऑफ अवर क्लोथ्स, फूड, शेल्टर, हेल्थ एक्सेट्रा। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन। सच अ फैमिली कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। अ स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। फादर जो होते हैं वो फैमिली का हेड होते हैं। हेड यानी मुखिया। ही अर्न्स एंड प्रोवाइड्स अस विद ऑल द थिंग्स दैट वी नीड एट होम एंड ऑल्सो एट स्कूल। फादर यानी पापा जो होते हैं वो हमें जो भी चीज़ें चाहिए, हमें जो घर पे चीज़ें चाहिए वो भी, और हमें जो स्कूल में चाहिए वो भी हमें दिलाते हैं। घर पे हमें क्या क्या चाहिए? खाने पीने का सामान, मतलब हेल्थ के रिलेटेड जो सामान चाहिए, मतलब डॉक्टर्स के पास ले जाना, फिर फूड और स्कूल में फीस, ये सब अरेंज करने की जो जवाबदारियां होती है वो कौन पूरी करता है? पापा। ये फादर का पिक है और यहाँ माय फादर एट वर्क। जो फादर होते हैं वो घर मतलब काम पे, ऑफिस का ये पिक्चर है। मदर ऑल्सो अर्न्स फॉर द फैमिली। माता जो होती है वो भी फैमिली के लिए काम करती है। शी कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अस। वो हमारे लिए डिलीशियस यानी मज़ेदार खाना बनाती है। किसके लिए? हमारे लिए। शी कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन। वो क्या करती है? हमारे घर को नीट एंड क्लीन, स्वच्छ रखती है। शी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, स्पेशली वेन दे आर सिक। वो हमारी जो माँ होती है वो हमारी स्पेशल केयर करती है और हमारे फैमिली मेम्बर का भी ध्यान रखती है। और जब हम बीमार होते हैं तब तो वो हमारी स्पेशल केयर करती है ना। ये जो है वो मदर की पिक है। और यहाँ पे मदर क्या कर रही है? किचन में रोटियाँ बना रही है। तो ये हम फिर से रीड करेंगे। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली। ही अर्न्स एंड प्रोवाइड्स अस विथ ऑल द थिंग्स दैट वी नीड एट होम एंड ऑल्सो एट स्कूल। मदर ऑल्सो अर्न्स फॉर द फैमिली। सी कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अस। सी कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन।
शी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली स्पेशली व्हेन दे आर सिक। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक खुद से ये चैप्टर रीड करना है, ये आपका होमवर्क है। आप क्या करोगे, ये आप चैप्टर रीड करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।